चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अचानक से चांद पर भरी हेलीकॉप्टर जैसी उड़ान। इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल की देखती रह गई पूरी दुनिया। 23 अगस्त 2023 के दिन चांद की धरती पर हमारे विक्रम ने लैंड किया था और उसके बाद उसका प्रज्ञान रोवर एक दिन बाद बाहर आया था और तभी से लेकर 4 सितंबर तक दोनों चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और 4 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लिप मोड में डाल दिया गया था। आखिरकार विक्रम लैंडर ने चांद पर उड़ान कैसे भरी, इसको बताने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। 4 सितंबर तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपने सारे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर चुका था और साथ ही चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन और सल्फर जैसे एलिमेंट की खोज भी कर ली थी। भारत ऐसा पहला देश है जिसने चांद पर सल्फर की खोज की। चांद की मिट्टी में सल्फर की खोज करना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि सल्फर से चांद की संरचना और उसके निर्माण के बारे में पता लगाया जा सकता है। सल्फर जैसी बहुमूल्य चीज ज्वालामुखी या किसी बड़े विस्फोट जैसी क्रियाओं से ही उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों में सोलर पैनल लगाए गए थे और सूरज की अनुपस्थिति में इनका काम कर पाना नामुमकिन है, मगर ऐसे में भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और कारनामा कर दिखाया है। ऐसा कारनामा पहली बार किया गया है, इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस कारनामे को देख हैरान हो रही है। यहां तक कि अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक भी अचंभे में पड़ गए हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इतने खतरनाक कारनामे चंद्रयान 3 कैसे कर सकता है। असल में हमारे चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने सारे एक्सपेरिमेंट 14 दिनों से पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया था कि हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विक्रम लैंडर ने वैज्ञानिकों के पास ढेर सारी फोटो और वीडियो को कैप्चर करके भेजा है और हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ढेर सारे एलिमेंट की भी खोज कर चुका है। चंद्रयान 3 ने अपने सारे मिशन को चांद पर सूरज के ढलने से पहले ही कंप्लीट कर लिया था, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन इसे स्लिप मोड में डाल दिया था। इसी बीच इसरो ने विक्रम लैंडर के साथ एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें विक्रम लैंडर के इंजन यानी चारों थ्रस्टर को चालू करके चांद की सतह से ऊपर की ओर उड़ाया और कुछ दूरी पर उड़ने के बाद उसके स्थान को चेंज करके दूसरी जगह पर लैंडिंग कराया गया। और सबसे खुशखबरी की बात तो यह है कि हमारे विक्रम लैंडर ने इस कारनामे को बड़ी आसानी से कर दिखाया है, क्योंकि विक्रम लैंडर में लगे चारों थ्रस्टर बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे थे। आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर को दोबारा उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था और ना ही इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग करना था। ऐसे में किसी स्पेसक्राफ्ट का दोबारा से इंजन चालू करके चांद की सतह पर लैंडिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस कारनामे को बड़ी आसानी से कर दिखाया है। इस प्रक्रिया के दौरान इसके चारों इंजन में फायर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फायर को भी विक्रम लैंडर सहन कर लेता है। उसके बाद विक्रम लैंडर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ान भरता है और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी जगह पर फिर से लैंडिंग करता है। अब सवाल यह उठता है कि चंद्रयान 3 को दोबारा क्यों लैंड कराया गया। तो इसके लिए इसरो का कहना है कि विक्रम की दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग होना इसलिए अहम है क्योंकि इससे मिशन के सैंपल लेकर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। इस बीच चांद पर अगले एक या दो दिन में अंधेरा छाने वाला है, फिर लैंडर को अगले 15 दिन अंधेरे में गुजारने होंगे। दरअसल चांद पर एक दिन धरती के 15 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी। उस दौरान चांद पर दिन था और सूरज की रोशनी थी। इसरो के जानकारों का कहना है कि चांद पर लैंडिंग के लिए ऐसा वक्त चुना गया था जब दिन की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद यह था कि अगले 15 दिनों तक विक्रम को मौका मिल सके और चंद्रमा की कुछ जानकारी जुटाने के लिए वक्त मिल पाए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने पहले से ही सारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिए थे
और उसके बाद वैज्ञानिकों ने उनके सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि वैसे भी अब अगर यह चांद पर बंद पड़ा रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे में वैज्ञानिकों के मन में सवाल आया कि क्यों ना हम चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर को चालू करके ऊपर की ओर उठाते हैं और दोबारा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल पहले की तरह काम कर रहा था, जिससे यह उबड़ खाबड़ जगह से बचकर समतल जगह पर लैंडिंग करता है। आपको बता दें कि लगभग 70 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और इतनी जल्दी स्पेस एक्सप्लेनेशन की फील्ड में ऐसे कारनामे कर पाना सबके बस की बात नहीं है। भारत इस समय स्पेस एक्सप्लेनेशन के मामले में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में अपना इतिहास रच रहा है। यहां तक कि चंद्रयान 3 के सफल होने के तुरंत बाद ही 2 सितंबर के दिन सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 सूर्ययान मिशन का भी प्रक्षेपण कर दिया गया है, जो कि आसमान में दहाड़ मारता हुआ पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के लोग इस मिशन पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का नाम दुनिया भर में हो रहा है। इस समय इसकी अपडेट की बात करें तो यह पृथ्वी की दूसरी कक्षा में चक्कर काट रहा है और 10 सितंबर के दिन इसकी कक्षा को बदलकर तीसरी कक्षा में प्रक्षेपण किया जाएगा। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक ने इंजन को चालू करके इसे तीसरी कक्षा में स्थापित कर देंगे। अब दोबारा हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। विक्रम लैंडर के साथ किए गए इस एक्सपेरिमेंट से फायदा यह होगा कि भविष्य में ऐसे मिशन को चांद पर भेजा जा सकता है, जिसको दोबारा पृथ्वी पर भी वापस लाया जा सके और इस तरह से अगले मिशन के अधिक खर्च को बचाया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 22 सितंबर के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव में दोबारा से सुबह होगी। वैज्ञानिकों को चांद पर दूसरी सुबह होने का इंतजार है, क्योंकि चांद पर रात के समय का तापमान लगभग -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में प्रज्ञान और विक्रम लैंडर का काम कर पाना नामुमकिन है और ऐसे में शायद ही हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा चांद पर काम कर सकेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी में चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट का सही सलामत रह पाना असंभव कार्य है। लेकिन अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा सुबह होने तक सही सलामत रहते हैं तो फिर से चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और यह हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, जिस काम को अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। आप लोगों के दुआओं के कारण ही चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, इसलिए आप सभी लोग विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के दोबारा से काम करने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।